नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जो कि केंद्रीय विद्यालय उन बच्चों के लिए कंडक्ट करवाते हैं जो कि कक्षा 9वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से विनती करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें कक्षा 9वीं के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। बहुत से बच्चे और माता पिता हमसे सवाल करते हैं कि मैम, कक्षा 9वीं में जो केंद्रीय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। तो चलिए अब हम आपको बताएं कि वह एंट्रेंस टेस्ट किस प्रकार का होता है। वह जो एंट्रेंस टेस्ट केंद्रीय विद्यालय कंडक्ट करवाता है वह रिटन एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि उसमें जवाब जो देने होते हैं वो राइटिंग में देने होते हैं, लिखित रूप में देने होते हैं। मौखिक यानी ओरल टेस्ट नहीं होता, राइटिंग में आपको जवाब देने होते हैं। इस पेपर के कुल अंक 100 होते हैं, यानी कि यह पेपर 100 मार्क्स का होता है। और इस एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के लिए बच्चों को 5 विषयों की तैयारी करनी पड़ती है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, यानी कि अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। यह पांचों विषय 20-20 अंक हर विषय को मिलते हैं, यानी कि अंग्रेजी से संबंधित जो सवाल आएंगे वह कुल 20 मार्क्स के होंगे, हिंदी से संबंधित जो सवाल आएंगे वह 20 मार्क्स के होंगे, गणित से संबंधित जो सवाल आएंगे वह 20 मार्क्स के होंगे, विज्ञान से संबंधित जो सवाल आएंगे वह 20 मार्क्स के होंगे और सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो सवाल आएंगे वह 20 मार्क्स के होंगे। और कुल मिलाकर पेपर 100 अंकों का यानी 100 मार्क्स का होगा। यह पेपर 3 घंटे का होगा, यानी कि 3 घंटे का समय दिया जाएगा और उस 3 घंटे में यह पेपर आपको पूरा करना है जो कि 100 नंबर का है और 5 विषयों से मिलकर बना है। इस पेपर को पास करने के लिए आपके 100 में से 33 नंबर कम से कम होने चाहिए, यानी कि जो पासिंग परसेंटेज है इस पेपर के लिए वह 33% है। 100 में से 33 नंबर आपके होने चाहिए, 33 मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति या फिर दिव्यांग यानी कि फिजिकली हैंडीकैप या फिर जिन्हें हम कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उस कैटेगरी के हैं तो आपको मार्क्स में थोड़ी सी छूट दी जाएगी पासिंग मार्क्स में। इन तीनों कैटेगरी में से अगर आप हैं SC ST या फिर दिव्यांग तो 25 नंबर आपके लिए पासिंग मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, यानी कि SC ST और दिव्यांग कैटेगरी के बच्चों के लिए पासिंग मार्क्स 100 में से 25 है और बाकी सभी बच्चों को पास करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट 33 नंबर चाहिए होंगे। इस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए आपको कक्षा 8वीं की CBSE की बुक्स को पढ़ना होगा, मतलब कि यह जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वह कक्षा 8वीं की CBSE की टेक्स्ट बुक्स पर आधारित होगा। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने कक्षा 8वीं करी है, आप वह कर रहे हैं तो कक्षा 8वीं के जो भी CBSE की बुक्स है वह आप अच्छे ढंग से पढ़ें और उसी की तैयारी अच्छे तरीके से करें और वही एंट्रेंस टेस्ट में आपके आएगी। ज़्यादातर जो भी सवाल होंगे वह सब्जेक्टिव टाइप होंगे। सब्जेक्टिव टाइप वह सवाल होते हैं जिनमें सवालों का जवाब आपको लिखित में देना होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि चारों विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर टिक करिए या फिर सही लगाइए गलत, ऐसा कुछ नहीं है, आपको लिखित में जवाब देना होगा। ज़्यादातर सवाल सब्जेक्टिव टाइप होंगे। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि यह एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा, एक बार होगा और वह एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा। ऐसा नहीं है कि 2 एंट्रेंस होते हैं या 3 एंट्रेंस है, नहीं, एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि 3 घंटे का होगा, 100 अंकों का होगा, जो कि आपको 33 नंबर लाकर पास करना होगा। और जब हम बात करते हैं एडमिशन की तो एडमिशन को जिनके जितने नंबर आएंगे और कैटेगरी बेस पे देखकर एडमिशन दिया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट बनेगी
और कैटेगरी की लिस्ट बनेगी, इन दोनों को मिलाकर बच्चों का एडमिशन में बच्चों का नाम एडमिशन बच्चों को दिया जाएगा, उनका नाम एडमिशन लिस्ट में ऊपर आएगा। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको काफ़ी लाभ होगा, और हम आप सभी को यह कहना चाहेंगे कि हम यह कामना करते हैं कि आपका यह एंट्रेंस टेस्ट उन बच्चों का जो कि कक्षा 9वीं का में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका एंट्रेंस टेस्ट बहुत अच्छा हो और उन सबके बहुत अच्छे नंबर आए और सब अपने मन चाहे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पाए। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं और बात करते हैं किसी नए विषय से संबंधित टॉपिक पर जो कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन प्रक्रिया आपके लिए थोड़ी सरल बना सके। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।